बेरोजगारी का क्या हुआ, गायब हो गई। मध्य प्रदेश जाइए, पूछिए क्या हुआ बेरोजगारी का, गायब हो गई। राजस्थान में क्या हुआ, गायब हो गई। कैसे हुई मैं बताता हूं, और बेरोजगारी कैसे आई वो भी बताता हूं। हम मनरेगा लाए, भोजन का अधिकार, सही एमएसपी, और हमने किसानों मजदूरों के जेब में पैसा डाला। यूपीए की सरकार थी, 24 घंटा हम वही काम करते थे। मनरेगा में दो, भोजन के अधिकार में दो, जमीन अधिकरण बिल, किसानों का पैसा नहीं लूटना चाहिए। जैसे आपके जेब में, हाथों में पैसा आता था, माताओं बहनों के जेब में, माताओं बहनों के हाथ में पैसा जाता था, आप माल खरीदते थे। माताएं बहनें साड़ी खरीदती थी, बच्चों के लिए साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शर्ट, पैंट, बूट, जूता। जैसे आप माल खरीदते थे, फैक्ट्रियां माल बनाती थी, फैक्ट्रियां माल बनाती थी, उन्हीं फैक्ट्रियों में आपके बच्चों को रोजगार मिलता था। ऐसे हिंदुस्तान चलता था। जितना हमने देखा, जितना पैसा हम गरीबों के हाथ डालते थे, उतनी तेजी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलती थी। जितना हम डालते थे उतनी तेजी से चलती थी। मनरेगा हमने डाला, उन्हीं उद्योगपतियों ने चिल्लाया कि भैया पैसा जाया हो रहा है। नहीं, पैसा जाया नहीं हुआ, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चली, 9% पर चल रही थी। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, पूरा पूरा पैसा आपके जेब में से निकाल दिया, माताओं बहनों के घर से निकाल दिया। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, छोटे दुकानदारों से छीन लिया। आपके पास माल खरीदने का पैसा नहीं, आपने माल खरीदना बंद किया, शर्ट खरीदना, पैंट खरीदना, मोबाइल फोन खरीदना बंद किया। क्या हुआ, सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्या हुआ, बेरोजगारी शुरू हो गई। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, कारण नरेंद्र मोदी और झारखंड की सरकार पूरा का पूरा पैसा 15 अमीर लोगों को देती है। मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं, आप बेरोजगारी गायब करना चाहते हो, फैक्ट्रियों को चालू करना चाहते हो, किसानों को सही एमएसपी दो, मनरेगा चालू करो, जमीन अधिकरण बिल लागू करो, और जो पैसा 15-20 उद्योगपतियों को, अरबपतियों को दे रहे हो, वो किसानों को, मजदूरों को दो, देखो कैसे अर्थव्यवस्था खुशहालू हो जाती है 2 मिनट में। ये आपको समझना पड़ेगा। ये भैया, ये मामला क्या है, इस जेब में से पैसा निकालेंगे, इस जेब में से पैसा निकालेंगे, जहां भी आपका पैसा है आपसे पैसा छीनेंगे। ये आपके यहां जो पानी नहीं है, ये क्या है, ये वही तो है। आप सोचते हो कि भैया हमारे पीने को पानी नहीं है, मगर पीने का पानी इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का पैसा पीने के पानी दिलवाने में नहीं जा रहा है। बिजली इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का पैसा आपको बिजली देने में नहीं जा रहा है, वो उधर उद्योगपतियों को बिजली दी जा रही है। प्याज महंगा हो गया, ये देखो, ये देखो। अब ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहता, अपने भाषण में ये क्यों नहीं कहता कि प्याज का दाम 200 रुपए हो गया। अब आएगा नरेंद्र मोदी, आता है, आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों पानी पीने को नहीं है ना, मगर अपन ने रॉकेट भेजा चांद तक, रॉकेट भेजा, देखो ऊपर की ओर देखो, वो देखो रॉकेट जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा चांद तक। आप कहते हो भैया रॉकेट की बात आप कर रहे हो, हमें तो पानी पीने को नहीं, थोड़ा सा पानी भी दे दो, अच्छी बात है आपने रॉकेट भेजा, वो यूपीए वालों ने बनवाया था वो आपने भेज दिया, मगर थोड़ा सा पानी भी पिला दो। कभी कभार ये कहा जाता है क्या मनरेगा बंद कर देंगे, या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है।
मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा का कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए, मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर हो, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जी का जीना चाहता हूं और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी, जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि तो हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। और आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले।